वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के बायोलॉजी के चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी के फुल इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेट फर्स्ट, जो कि स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 257 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस आर मेनली क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपने सब्सटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो जाएंगे और दूसरे हमारे जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो जाएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, ऑल दोज सब्सटेंसेस विच आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर फॉर्म्स बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब ऐसे सभी सब्सटेंस स्टूडेंट्स जिनको हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सिंपलर फॉर्म में जो है ब्रेक कर सकें, उन सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेपर, कॉटन एंड लीव्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करें तो ऑल दोज सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब ऐसे सभी सब्सटेंस स्टूडेंट्स जिसको हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं स्टूडेंट्स वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाते हैं, वो सारे सब्सटेंस हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लास्टिक, ग्लास, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर टू, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को ऐसे दो तरीके बताने हैं जिससे हमारा जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू वेज इन विच द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट द एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस फोल स्मेल एंड ऑल्सो हार्मफुल गैसेस। अब स्टूडेंट्स, जब हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का जो डिकम्पोजिशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही खराब स्मेल की जो है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये गैसेस जो होती हैं स्टूडेंट्स बेसिकली हार्मफुल होती हैं हमारी एनवायरनमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो जब भी हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है स्टूडेंट्स ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एज दे आर कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड। अब स्टूडेंट जो हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को दो तरीके बताने हैं जिससे हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता हो। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट द एनवायरनमेंट आर। तो पहला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे रिमेन अनडिकम्पोज सो दे कॉजेस एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ये जो है कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। अब जब ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट्स तो इनकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिग्रेड करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनकी भी जो है डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे दो वेज होते हैं जिसके बेसिस पे जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सेट सेकेंड, जो कि स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 261 पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों को जो है ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में बताना है और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को जो है फूड चेन का एक एग्जाम्पल देके ट्रॉपिक लेवल्स को समझाना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो ट्रॉपिक लेवल्स हमारे क्या होते हैं, तो इन ए फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस एट वेरियस लेवल एंड दीज लेवल्स आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल्स। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारी फूड चेन होती है
इसमें क्या होता है, इसमें फूड और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो वेरियस लेवल्स पे होता है, तो इन लेवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब प्रोड्यूसर से फूड और एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी कंज्यूमर में। इसी तरीके से स्टूडेंट्स प्राइमरी कंज्यूमर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या करेंगे, फूड और एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है स्टूडेंट्स टर्शियरी कंज्यूमर को फूड एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, ग्रास, गोट और मैन। तो ग्रास हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। गोट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ग्रोट हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि गोट क्या कर रहा है, ग्रास को खाता है। तो गोट रिप्रेजेंट प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग मैन को देखें तो मैन हमारा क्या कर रहा है, ये गोट को खा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये टर्शियरी कंज्यूमर होगा, या हम लोग क्या कह सकते हैं, ये फोर्थ लेवल को बिलोंग करेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को डिकम्पोजर्स का रोल बताना है हमारे इकोसिस्टम में। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे एक्ट एज ए क्लीनर्स बाय डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द एनवायरमेंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एज ए क्लीनर्स की तरीके से वर्क करते हैं, और जो भी हमारे डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके हमारी जो अर्थ है या हमारी जो एनवायरमेंट है उसको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, दे प्रोवाइड स्पेस एंड एरिया फॉर द न्यू ऑर्गेनिज्म बाय क्लीनिंग द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस और एरिया को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से जो है उनको स्पेस मिले, उनको एरिया मिले और वो सर्वाइव कर सकें। सेट थर्ड, पेज नंबर 264। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों को ओजोन के बारे में बताना है, और फिर हम लोगों को बताना है कि किस तरीके से जो हमारी ओजोन है ये हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा जो ओजोन है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा ऑक्सीजन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स हमारे ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ओजोन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। ठीक, हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि हमारा जो ओजोन है ये किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ओजोन फॉर्म्स ए लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन विच कॉजेस कैंसर एंड ऑल्सो डैमेज द क्रॉप्स। तो ओजोन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है ये अपर एटमॉस्फेयर में जाकर क्या करता है, एक लेयर को फॉर्म करता है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैंसर से भी बचाती है, और जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको डैमेज होने से भी रोकती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ओजोन मॉलिक्यूल है या हमारी जो ओजोन लेयर है ये हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पर दो मेथड देने हैं जिससे हम लोग जो है वाटर डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू मेथड्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर डिस्पोजल आर। तो पहला मेथड स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, बाय 3R टेक्निक। अब ये 3R टेक्निक क्या होती है स्टूडेंट्स, बाय रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब ये स्टूडेंट्स हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को सबसे पहले तो रिड्यूस करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग इसका कम से कम यूज़ करें।
फिर जो भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है हम लोग इसको रिसाइकिल करके डिकम्पोज कर दें। अब सेकेंड टेक्निक स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी, हम लोग जो है अपने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की हमारी जो वाटर डिस्पोजल प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाती है। सो वी कैन ऑल्सो सेपरेट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द वाटर डिस्पोजल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है आवर एनवायरमेंट के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर के नोट्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, वहाँ पे मैं अपने सारे लेक्चर्स की PDF अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स आप लोग जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।